नहीं, ये कोई झूठी वीडियो नहीं है। इस छोटे से जानवर को सचमुच नॉर्वेजियन किंग के सिपाहियों द्वारा सैल्यूट किया जा रहा है, और वो भी एक बहुत अच्छे कारण की वजह से। हाँ, ये चीज तो मैं भी मानता हूँ कि हमें इंटरनेट पर देखी हुई हर चीज को नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि सचमुच होते हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये पेंगुइन इतना स्पेशल क्यों है और ऐसे और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो कि आप जानना चाहेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए एक साथ इस फैक्ट शो के लिए। कुछ टूटते हुए तारे एस्ट्रोनॉट के शरीर की गंध होते हैं। क्या आपने कभी टूटते हुए तारे से कोई चीज मांगी है? मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो कि आपका नजरिया पूरी तरीके से बदल देगी। कभी कभार आप टूटते हुए तारे के बजाय एस्ट्रोनॉट की पॉटी से चीजें मांग रहे होते हैं। जैसा कि आपको बताइए, अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहां पर धरती जैसे टॉयलेट नहीं बनाए जा सकते। इसका मतलब है कि अगर अंतरिक्ष में फ्रेश होना है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मुश्किल भी होगा ये। और अगर आप अपनी पॉटी को सिर्फ फ्लश करके उससे मुक्त नहीं हो सकते, बजाय इसके इस गंध को पहले अंतरिक्ष में वैक्यूम में से ले जाया जाता है, जहां पर इसको फ्रीज ड्राई किया जाता है, जिसकी मदद से इसके अंदर के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। उसके बाद उसको खाली डब्बों में भर लिया जाता है। जब बहुत सारी पॉटी इकट्ठी हो जाती ना, तो इसको स्पेसक्राफ्ट से निकालकर फेंक दिया जाता है, जहां ये अंतरिक्ष में जल जाता है और टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन 2009 में कुछ सितारे देखने वालों ने विस्कॉन्सिन में एक टूटता हुआ तारा देखा, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो तारा नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट की 150 एलबी की पॉटी थी। शायद इसीलिए आज तक कोई मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई भाई। स्लोध अपने मुंह से पाते हैं। हम इस वीडियो में जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं, जैसे कि क्या स्लोथ्स पाते हैं। ये बहुत पहले ही पता लगाया जा चुका है कि इस धरती पर लगभग हर मैमल पाता जरूर है, लेकिन स्लोथ का पातने का तरीका बिल्कुल अलग है। साइंटिस्ट इस चीज को समझने में काफी समय लगा दिया उन्होंने कि आखिर ये जानवर पातते कैसे हैं, लेकिन आखिरकार इस चीज का पता इस किताब डज इट फार्ट अ डेफिनेटिव फील्ड गाइड टू एनिमल फ्लैटुलेंस, जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी, उससे पता चला। इस किताब की ऑथर को डैनी रेबियोटी हैं, जो कि एक पीएचडी क्वालिटी की छात्रा हैं। ये बताया उन्होंने कि हालांकि ये जानवर खूब सारे पेड़ पौधे खाते हैं, ये अपने धीरे डाइजेशन की वजह से पादना अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जानवर बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं, इसलिए ये 3 हफ्तों में शायद ही एक बार पॉटी करते हैं। दुर्भाग्य से अगर इनके इंटेस्टाइन में ये गैसेज इकट्ठी हो जाएं, तो ये बीमार हो सकते हैं, या इससे भी बुरा इनका शरीर फट सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि इनके शरीर का पूरा मीथेन इनकी इंटेस्टाइन से इनके खून में वापस चला जाता है, जो कि फिर इनके फेफड़ों से होकर मुंह से बाहर निकलता है। जैक डेनियल अपने घर का लॉकर खोलते हुए मर गया। सभी पीने वाले लोगों को पता है कि जैक डेनियल और कोक को इकट्ठा पीना कितना मजेदार होता है, लेकिन शायद ही किसी को पता है कि इस व्हिस्की को बनाने वाले जैक डेनियल की मौत कैसे हुई। कहा जाता है कि जैक, जिनका नाम था जेस्पर जैक न्यूटन, उन्होंने अपने ऑफिस में एक लॉकर बनवाया हुआ था, जिसको कि सिर्फ उनका भांजा ले मोटलो ही खोल सकता था। 1911 की एक सुबह को जब जैक काम पर सबसे जल्दी आ गया, तो उसको याद आया कि वो अपने लॉकर का पासवर्ड भूल चुका है और उसका भांजा वहां पर नहीं था। अब दिक्कत ये थी कि जैक के पास ज्यादा समय नहीं था और उसको बहुत गुस्सा चढ़ गया कि उसने उस लॉकर पर बहुत तेज अपना पैर मारा। असल में उसने अपना पैर इतना तेज मारा कि उसका पैर का अंगूठा टूट गया। इससे पहले कि वो किसी को मदद के लिए बुलाता, उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसका पैर काटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उसके शरीर में जहर फैल गया, जिसकी वजह से उसकी 9 अक्टूबर 1911 को 61 साल की उम्र में मौत हो गई। शायद इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना दिमाग चलाना चाहिए, अपने सारे पासवर्ड लिख कर रखने चाहिए। स्कॉटलैंड में एक पेंगुइन को सलामी दी गई। किसी से भी सलामी मिलना एक बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किस तरह इंसानों ने एक ना उड़ पाने वाले पक्षी को सलामी दी। सर नील्स ओलिव, जो कि फिलहाल स्कॉटलैंड के RZSS एडिनबर्ग जू में रह रहे हैं। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इनका नाम स्कॉटिश क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको 1972 में नॉर्वेजियन मेजर मिल्स एगिलीन और उसके बाद नॉर्वे के राजा किंग ओले ने अडॉप्ट किया था। 1961 में ये रिटायर हो चुके मेजर तब जू में पहुंचे जब वहां पर एक मिलिट्री परेड, जिसको कि रॉयल एडिनबर्ग मिलिट्री टैटू के नाम से जाना जाता है, वो चल रही थी। वहीं पेंगुइन्स में इतने ज्यादा वो दिलचस्प हो गए कि उन्होंने निल्स को नॉर्वेजियन गार्ड का ऑफिशियल मैस्कट बनाने की ठान ली। तब से इस पेंगुइन को ये दर्जा दिया गया, वो प्रमोट भी होता गया, और इस चीज की हेडलाइंस 2008 में भी आई थी, जब नॉर्वे के किंग हेराल्ड 5 नील्स को सलामी देने के लिए एडिनबर्ग पहुंचे।
2016 में निल्स को अपना सबसे नया दर्जा मिला जब उसको 22 अगस्त सोमवार को एडिनबर्ग में एक स्पेशल सेरेमनी के दौरान ब्रिगेडियर का दर्जा मिला। नॉर्वेजिया के सिपाही लाइन बनाकर टेंशन में खड़े हुए थे और ये छोटा सा पेंगुइन इनके बीच में से चलकर अपना नया दर्जा लेने जा रहा था। अब इससे ज्यादा प्यारी और क्या चीज हो सकती है भाई। फ्रिस्बी बनाने वाला इंसान खुद ही फ्रिस्बी में बदल गया। इस आम से फ्रिस्बी ने पीढ़ियों को एंटरटेन किया है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये जब सबसे पहले बनाई गई थी तो ये खाली डब्बा था जिससे कि वाल्टर मॉरिसन और उसकी बीवी ने बीच पर खेलने की सोची। जैसे ही लोगों ने उनको खेलते हुए देखा, मॉरिसन से लोगों ने इससे खरीदने के लिए 25 सेंट का ऑफर दिया। फिर मॉरिसन ने अपने इस खिलौने को बीचेस और मार्केट में बेचना शुरू किया और आखिरकार उनको एक खिलौने की कंपनी वेमओ ने 1957 में उनके राइट्स खरीदकर इस खिलौने का नाम फ्रिस्बी रखने का निर्णय लिया। फ्रिस्बी सबसे ज्यादा जानी तब गई जब एक इंसान जिसका नाम स्टीडी एड हेड्रिक था, उन्होंने इस चीज का संतुलन सही करने में और इसको ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए मदद करने का हाथ आगे बढ़ाया। ये व्यक्ति इस चीज के ऊपर काम करने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने 3 महीने के लिए वेमओ के साथ बिना कोई पैसा लिए काम करने के लिए हाँ कर दी। जब उससे 3 महीने खत्म हो गए, ये खिलौना तब कुछ ज्यादा ही ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था और कुछ 10 सालों के अंदर ही हेड्रिक किसी कंपनी का CEO बन गया। हेड्रिक अपने काम से इतना खुश था कि उसने अपने मरते समय एक ही इच्छा जाहिर की, उसको भी एक फ्रिस्बी में बदल दिया जाए। 2002 में हेड्रिक की मौत फ्रिस्बी खेलते हुए हार्ट अटैक से हुई और उसकी इच्छा के अनुसार जब उसको दफनाया गया तो उसके दोस्तों और परिवार को उसका एक चित्र फ्रिस्बी के ऊपर बनवाकर सभी को तोहफे के रूप में बंटवा दिया गया। आप एक उल्लू के कान से उसकी आंख देख सकते हैं। उल्लू दुनिया के कुछ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस प्राणी हैं। जब आपको लगता है कि आप उनके बारे में सब जान चुके हैं, तब आपको उनके बारे में नई चीजें पता चलती हैं, जैसे कि किस तरह वो अपने शरीर के निचले हिस्से में लंबी लंबी टांगे छुपा कर रखते हैं। वैसे ही आज मैं आपको इनके बारे में एक और चीज बताने जा रहा हूँ। आप इनके कान के छेद से इनकी आंखों को देख सकते हैं और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। जरा आप इनके कानों को खोलकर देखने की कोशिश कीजिए और आप यही नजारा देखेंगे कि इसकी एक आंख है। ये अजीब सी तस्वीर सदर्न ओहियो में नेचुरलिस्ट जेम्स मैककॉमिक द्वारा ली गई है और वो भी तब जब वो अपने प्रोजेक्ट आउलनेट के लिए इन लोगों को बहुत करीब से देख रहे थे और उनके बारे में चीजें खोज रहे थे। हर पक्षी से अलग इन उल्लुओं के कान के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। इसका मतलब है कि इनके कान के छेद सीधा इनके दिमाग में जाकर खुलते हैं। मतलब आप सोचिए, अगर इनके कान में कुछ गया तो मतलब वो सीधा इनकी खोपड़ी में जाएगा। कुत्तों की एक ऐसी जाति भी है जो कि भौंक नहीं सकती। हर कुत्ता अलग अलग साइज और शेप का होता है, लेकिन हर कुत्ते में कुछ चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं, जैसे कि खेलना, अपने दूध के साथ मस्ती करना या बहुत तेज भौंकना। लेकिन बेसिनजी के साथ ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी जाति है जो कि भौंक नहीं सकती। बेसिनजी कुत्तों की सबसे पुरानी जाति मानी जाती है, जिसको कि अमेरिकन केनल क्लब ने पहली बार ही देखा था और इसको पहले के जमाने में अफ्रीका में हंटिंग डॉग की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इनको हंटिंग डॉग की तरह इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण था कि ये अपने शिकार का पीछा बिना कोई आवाज निकाले कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि बेसिनजी बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल सकते, लेकिन जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं तो ये लोमड़ी जैसी आवाजें निकालते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो चलिए इस बेसिनजी से कुछ गाते हुए सुनते हैं। ऐसा उनके गले में मौजूद वॉइस बॉक्स की वजह से होता है। बेसिनजी का वॉइस बॉक्स भी बाकी के कुत्तों की तरह ही होता है, लेकिन इनके वॉइस बॉक्स में सिर्फ एक छोटा सा अंतर होता है, लैरिंगल वर्टिकल, जो कि एक अजीब से आकार का छेद होता है और वॉइस बॉक्स के बिल्कुल बीच में बना होता है। इनके गले में बाकी के कुत्तों के मुकाबले ये काफी छोटा होता है। इस चीज के छोटे होने की वजह से ही इनके वोकल कॉर्ड ज्यादा आसानी से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ये तेज नहीं भौंकते, क्योंकि इनके वोकल कॉर्ड अच्छे से वाइब्रेट नहीं कर सकते। पहले के जमाने में मगरमच्छ के गंध को कॉन्स्ट्रपेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको पागल बना रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ऐसा सच में हुआ था। उस समय होता कुछ यूं था कि जो औरतें अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचना चाहती थीं, वो किसी भी हद तक जा सकती थीं, और सच में किसी भी हद तक। ये तो आज भी होता है कि कॉन्स्ट्रप्शन का सारा भार औरतों पर ही डाल दिया जाता है, लेकिन पुराने जमाने की इजिप्ट में तो हाल कुछ और ज्यादा ही खराब हो रहे थे। अपने सर्विक्सेस और लड़के के स्पर्म के बीच में एक बैरियर बनाने के लिए औरतें मगरमच्छ की पॉटी और शहद के मिक्सचर का इस्तेमाल करती थीं और उसको अपने सर्विक्स में डालती थीं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये रिकॉर्ड के मुताबिक तरीका बिल्कुल सही भी था, क्योंकि मगरमच्छ के गंध के अंदर ऐसी एसिडिटिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्पर्मिसाइड की तरह काम करती हैं। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉप बॉक्स की जरूरत है।
क्योंकि या तो गर्भवती महिलाएं हो सकती थी या फिर हमेशा के लिए बच्चा पैदा ना करने का निर्णय ले सकती थी। लेकिन ये तो शुक्र है कि आजकल हमें इन दुविधाओं से निकलना नहीं पड़ता। फ्लॉस करने से आपकी याददाश्त तेज होती है। आपको शायद आपके डेंटिस्ट ने हजारों बार ये सुझाव दिया होगा कि आपको फ्लॉस करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद फ्लॉस करने से आपको चीजें याद रहने लगती हैं और आपकी याददाश्त तेज होती है। हाँ जी, ये सच है। लगता है कि फ्लॉस करने से ना तो सिर्फ आपके दांत साफ होते हैं लेकिन आपकी याददाश्त भी तेज होती है। 2010 में रिसर्चर ने 60 साल से ऊपर एक आदमी और औरतों के समूह को देखा और ये पता चला कि वो लोग जिन्होंने मैथ्स में मेमोरी के टेस्ट में सबसे कम स्कोर किया था उनके मुंह में दांतों को खराब करने वाले बैक्टीरिया ज्यादा थे। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन करते हैं जो कि सीधा हमारी नसों को मोटा करने का काम करती हैं। साइंटिस्ट ने यह भी पता लगाया है कि ये मोटी नसें दिमाग में याददाश्त भुलाने का भी काम करती हैं, जिसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग को तेज रखने के लिए फ्लॉस करना जरूरी है। यहाँ तक कि कई एक्सपर्ट ने यह भी बताया है कि फ्लॉस करना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने आप को सही रखने के लिए दवाइयाँ खाना। तो शायद आपको अगली बार अपने डेंटिस्ट की बात मान लेनी चाहिए। दो ट्विंस के पैदा होने के बीच का सबसे लंबा समय है 87 दिन। ट्विंस के पैदा होने का मतलब ये नहीं होता कि वो इकट्ठे पैदा होते हैं, वैसे तो ये मतलब होता ही है, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो कि इस चीज से बिल्कुल अलग हैं। 2012 में मारिया होन्स एलियट को जब पता चला कि उनके ट्विन होने वाले हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। वैसे तो उनके परिवार में ये बहुत ही कॉमन था पर फिर भी। लेकिन जिस चीज का उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो अपनी ड्यू डेट से 3 महीने पहले ही लेबर में चली जाएंगी। 1 जून को मारिया को फटाफट अस्पताल लेकर जाया गया जहां पर उसने अपनी पहली बेटी एमा को जन्म दिया जो कि बहुत ही छोटी थी और जिसका वजन सिर्फ 1 lb 3 oz था। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अचानक से मारिया के कंस्ट्रक्शन रुक गए। डॉक्टर ने इन कंस्ट्रक्शन को फिर से शुरू करवाने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी डॉक्टर उनको बस यही सलाह दे पाए कि वो अब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। इसके बाद इंतजार से भरे 87 दिनों के बाद एमी की ट्विन केटी का जन्म 27 अगस्त को हुआ। इसके कुछ ही समय के बाद इन दोनों बहनों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से सबसे ज्यादा समय तक पैदा हुए ट्विन्स का अवार्ड दिया गया और इसके साथ ही अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि इनका इस तरह पैदा होना किसी लॉटरी जीतने से कम नहीं है, इनको खुद पर गर्व होना चाहिए। चेस्टिटी बेल्ट सिर्फ एक मजाक था। पुराने जमाने में लोग अजीब और गरीब तरह की चीजें पहनते थे लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मशहूर हुई चीज है चेस्टिटी बेल्ट। अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता तो ऐसे में ये एक लोहे की बेल्ट होती थी जो कि एक औरत के निचले हिस्से को बांध कर रखती थी और इसको कोई भी मर्द तभी खोल सकता था जब वो उसको चाबी दे। हालांकि किताब द मेडिवियल चेस्टिटी बेल्ट अ मिथ मेकिंग प्रोसेस में अल्बर्ट क्लजन ने बताया कि असल में ये चीज बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक होती थी और शायद कभी बनाई ही नहीं गई थी। उन्होंने बताया कि इनकी डिपिक्शन जो कि अक्सर कला में देखी जाती है जैसे कि ये 1590 का एक चित्र असल में सिर्फ मजाक के लिए बनाया गया था। इस चित्र में जहां पति के हाथ में एक चाबी दिखाई दे रही है वहीं पीछे एक और इंसान की परछाई दिख रही है जिसके पास भी चाबी है। इसका मतलब ये था कि इस बेल्ट को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। दूसरे शब्दों में एक ऐसी लोहे की बेल्ट जो किसी औरत को सेक्स करने से रोके सिर्फ हंसने के लिए ही अच्छी लगती है। कई सारे म्यूजियम में ऐसी चेस्टिटी बेल्ट देखने को मिल जाती हैं लेकिन असलियत में ये सब 1800 में बनाई गई थी। यहाँ तक कि द ब्रिटिश म्यूजियम में रखी इस बेल्ट के नीचे अब जोक फॉर द टेस्टलेस लिखा हुआ है, मतलब हंसने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। टर्की में औरतें कॉफी ना मिलने पर तलाक दे सकती हैं। अगर आप एक कॉफी लवर हैं तो आपके दिमाग में भी उठते ही कॉफी का ख्याल आता होगा और अगर आपको उठते ही कॉफी ना मिले तो शायद आपको भी गुस्सा चढ़ जाता होगा। लेकिन अगर आप हजारों साल पहले टर्की में रह रही एक औरत होते तो शायद आप इसी कारण से अपने पति को तलाक दे देते। हाँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कभी टर्की में ऐसा नियम होता था जिसकी मदद से एक औरत अपने पति को कॉफी ना मिलने पर तलाक दे सकती थी। कॉन्स्टांटिनोपल, जिसको कि अब इस्तांबुल कहते हैं, उसमें कॉफी पहली बार 1555 में आई थी और जल्दी ये वहां के कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। ये नियम उस समय इसलिए बनाया गया था क्योंकि माना जाता था कि एक इंसान जो अपनी बीवी को कॉफी नहीं दे सकता वो उसके कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करता। वैसे तो ऐसे कॉफी के ऊपर हुए तलाक बहुत ही कम थे क्योंकि उस समय दुनिया मेल डोमिनेटेड थी, लेकिन फिर भी औरतों के पास कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जरूर था। क्या आप मुझे कुछ ऐसे और फैक्ट्स बताएंगे जो कि मुझे चौंका दे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।